हे भगवान, क्या आप मेरी इतनी मदद नहीं कर सकते? मेरी माँ के इलाज के लिए मुझे बस 500 रुपए चाहिए। अब मैं कहाँ से लाऊं 500 रुपए? अरे बेचारा, मेरे पास 100, 300, 400, ये पूरे 500 इसे दे देती हूँ। अरे भैया, हाँ, वो ये लीजिए 500 रुपए और अपनी माँ के लिए दवाई ले आइए, लीजिए। शुक्रिया मैम साहब आपका। अरे कोई बात नहीं। अब परी? हाँ, मैं एक अच्छी परी हूँ और मैं यहाँ पे सबकी परीक्षा ले रही थी। यहाँ पे सभी लोग गुजर रहे थे पर किसी ने मेरी मदद नहीं की, पर तुमने की। बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारी विश पूरी करूंगी। अब मुझे 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 ना आप एक जादू शक्ति दे दो जिससे मैं अपनी और दूसरों की मदद कर सकूं। हाँ ठीक है। अरे ये परी कहाँ चली गई? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? क्या सच में मुझे जादुई परी ने एक जादुई शक्ति दी है? मुझे सच में जादू करके देखना चाहिए। हाँ मैं जाती हूँ, देखती हूँ किसे मेरी मदद की जरूरत है। हाँ और हाँ, आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है? और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है? मैं जाती हूँ। कैसा बाप हूं मैं, इतनी मेहनत करने के बाद सिर्फ इतने ही पैसे, अब मैं अपनी बेटियों को क्या जवाब दूंगा? लगता है मेरे जादू की यही सबसे ज्यादा जरूरत है, मुझे जादू करके इसकी मदद करनी चाहिए। हाँ अरे भाई साहब, वो क्या हुआ, आप अपनी बेटियों को लेकर इतना परेशान क्यों हो? क्या करूं मैम साहब, अभी 2-3 दिन में नवरात्रि आ रही है और मेरी 2 छोटी छोटी बेटियां हैं और उन्होंने मुझसे कहा कि पापा हमारे लिए नवरात्रि की ड्रेस जरूर लाना। हाँ पापा। बड़ा बदनसीब बाप हूँ मैं, अब इतने से पैसों में कहाँ से लाऊं मैं नवरात्रि की ड्रेस? अरे बेचारा आदमी, लगता है जादू शक्ति इस्तेमाल करने का यही सही समय है। हाँ अच्छी परी की शक्ति, जल्दी से उस आदमी की दोनों बेटियों के लिए नवरात्रि की ड्रेस आ जाए। अरे ये क्या, यहां तो कोई है भी नहीं, लगता है माता रानी की कृपा है। चलो अच्छी परी की शक्ति किसी के काम तो लगी। थैंक यू अच्छी परी। अरे ये पैसे तो कम पड़ रहे हैं, अब मैं बाकी के पैसे कहाँ से लाऊं? अरे दीदी क्या हुआ, किस चीज के पैसे चाहिए आपको? घर का मेंटेनेंस भरना है और पैसे कम पड़ रहे हैं, और पता है कल भरने की आखिरी तारीख है, अगर कल मैंने पैसे नहीं भरे तो पेनल्टी भरनी पड़ जाएगी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अच्छा हाँ। अरे इसमें टेंशन लेने की क्या बात है, मैं दीदी का टेंशन अभी दूर करती हूँ अच्छी परी की शक्ति से। हाँ अच्छी परी की शक्ति, जल्दी से पैसे ले आओ।
दीदी ये लो पैसे। पैसे? पर ये पैसे तेरे पास कहाँ से आए? कैसे भी आए हो आप तो मेंटेनेंस भर दो। लो पहले ये बता कि ये पैसे तेरे पास कहाँ से आए, कहीं तुमने चोरी तो नहीं की? नहीं नहीं दीदी, मैंने ये पैसे चोरी नहीं किए हैं, ये तो ऐसे ऐसे आए ये पैसे। क्या जादुई परी तू जादू कर सकती है? हाँ, अब आपको यकीन नहीं हो रहा है ना? रुको, अच्छी परी की शक्ति दीदी की खोई हुई घड़ी वापस आ जाए। अब तो यकीन हो गया ना कि ये पैसे मैंने चोरी नहीं किए, जादू से आए। तो क्या तेरी जादुई शक्ति से हम हमारी मरी हुई माँ को बुला सकते हैं? पता नहीं मुझे, पर ट्राई कर सकते हैं। तो कर। हाँ, अच्छी परी की शक्ति हमारी माँ को ले आओ। अरे अच्छी परी की शक्ति हमारी माँ को ले आओ। अरे ये मैजिक हो क्यों नहीं रहा है? क्योंकि ये नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। पर क्यों? एक बार हमें हमारी माँ से मिलने दो ना। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारी जादुई शक्ति हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी, क्या तुम्हें मंजूर है? हाँ मंजूर है मुझे, नहीं चाहिए मुझे जादुई शक्ति, मुझे माँ से मिलना है। ठीक है, जैसा तुम चाहो। माँ? बेटा तुम दोनों पर मुझे बहुत गर्व है, तुम दोनों मेरी बहुत अच्छी बेटियां हो, दूसरों की मदद करती हो, कभी किसी का बुरा नहीं चाहती। तुम दोनों को ऐसे देखकर मैं बहुत खुश हूँ। हमेशा खुश रहो और एक दूसरे का ध्यान रखो, मैं हमेशा तुम दोनों के साथ रहूंगी। अरे माँ, तो दोस्तों अच्छी परी की शक्ति चली गई, पर आप अगर मेरी जगह होते तो क्या करते? आप अपनी माँ से मिलना चाहते या जादुई शक्ति अपने पास रखते? मुझे कमेंट में जरूर बताना, ठीक है?